हाँ, मुख्य तौर पे कई हर थाना क्षेत्रों में लगातार चेकिंग चल रही है और यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं की देखभाल के लिए हमने एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को लगा रखा है जो कि लगातार स्वास्थ्य का परीक्षण करते हैं, उसको फैसिलिटेट करते हैं कि जवानों को दिक्कत ना हो। क्योंकि छत्रीपुरा में आज 2 लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण में पॉजिटिव पाया गया, इसलिए वहाँ के सभी जवानों को वहाँ पर स्वास्थ्य का परीक्षण भी किया गया और 11 जवानों को आज क्वारंटाइन में भी रखा गया है। उनको अलग जो सुविधाएँ हैं उनमें अलग रखा गया है, बाकी सबका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। हमारी प्राथमिकता है कि जवान इसे संक्रमित न हो, उनका समय पर स्वास्थ्य परीक्षण हो, उनका समय पर स्वास्थ्य का उपचार हो और वो बिल्कुल ऊंचे मनोबल के साथ काम करें। बहरहाल अभी 11 लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है, पूरी तरह से सभी का स्वास्थ्य परीक्षण कल सुबह तक हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो 192 कंटेनमेंट जोन्स हैं और उनमें उन जोन्स में मुख्यतः कहीं ना कहीं संक्रमण से युक्त एरियाज हैं जिनमें बैरिकेटिंग की गई है और उस बैरिकेटिंग में आना जाना और किसी भी तरह का वहाँ भ्रमण प्रतिबंधित है। उनमें कैमरे भी रखे गए हैं, तो साथ ही साथ लगभग हम देखें तो 1000 का अतिरिक्त बल भी है हमारे पास जो कि इन सारे इलाकों में सघनता के साथ वहाँ काम कर रहा है और हमारी पूरी टीम जो है इसमें पूरी तरह का काम कर रही है। हम तकनीक का भी पूरा अच्छे ढंग से उपयोग कर रहे हैं और ये पूरी जो कवायद है इसका उद्देश्य यह है, इस पूरे एक्सरसाइज का उद्देश्य ये है कि हम कंटेनमेंट जोन्स में भ्रमण को सीमित रखें, पूरी तरह प्रतिबंधित रखें, लॉकडाउन को सख्ती से लागू कराएं ताकि इसका प्रभाव जो है जल्दी फैलती दिखे और काफ़ी प्रभाव दिखा है। आप देखेंगे तो कंटेनमेंट जोन में संक्रमण की दर काफ़ी कम हो गई है। अब हमारा प्रभाव है कि वो कहीं बाहर ना फैले ताकि धीरे धीरे उसका प्रभाव दिखेगा और दिख रहा है। कई जगहों पे जिन जगहों पे सख्ती से लागू किया गया उन सभी जगहों पे काफ़ी तेज़ी से इसमें गुणात्मक कमी आई है। बाहर का लगभग अलग अलग जगहों से लगभग 1000 का बल पिछले 1 महीने में आया है और सबको चूँकि बड़ी जिम्मेदारी है, लगातार 24 घंटे इसकी ड्यूटी में रहना है, अलग अलग तरह की जिम्मेदारियां हैं, अलग अलग जोन्स हैं, तो उसमें लगभग 1000 का बल अतिरिक्त लगाया गया है जो कि अलग अलग जगहों पर कार्यरत है।